आई करंट इधर जा रहा था। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ये सेमी सर्कल है, ये डिस्टेंस आर है रेडियस, करो सॉल्व। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सॉल्व करो। ये बताओ इस वायर के कारण इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर हुई, अंदर की तरफ हो गया बाहर की तरफ हुई, इनसाइड। और इस वायर के कारण इस पॉइंट पे इनसाइड ही हुई, यू करंट जा रहा है, ये फिंगर्स इधर है, इस पॉइंट की साइड में दोनों ऐड होंगे। इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हुई, आर के कारण, इनसाइड हुई, सारी ऐड होंगे। इस सेमी इनफिनाइट के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इतनी फील्ड इसके कारण यहाँ पे होगी, इस आर्क के कारण, ये आर्क सेंटर पे क्या एंगल से अटेंड कर रहा है, पाई। और ये पूरी की पूरी फील्ड किधर हुई, इनसाइड। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई सबको, बताओ। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आई करंट यूज आ रहा है, ये रेडियस आर है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। बस यहाँ पे पाई बाई टू आएगा, बाकी सारा का सारा सेम ही आएगा, हाँ है ना, सेम ही आएगा ना यहाँ पे। आई करंट है, हर साइड की लेंथ है एल है, इस सेंटर वाले पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना।
इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। इसका क्या है, इस वायर के कारण ये देख लो यार, ये एंगल कितना होगा 45 45 है ना, तो इसके कारण यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ये डिस्टेंस एल बाई टू इस केस में, याद रखना साइन 45 रूट टू आ जाएगा, क्या जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल टू रूट टू। अब इसके कारण जितनी फील्ड होगी उतनी इसके कारण इधर, उतनी इसके कारण इधर, उतनी इसके कारण इधर, डायरेक्शन सबकी सेम आई, तो जितना भी है इसको किसे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 टाइम्स से कर दोगे, तो दिस विल बी द आंसर। के पास में नेक्स्ट बताओ, ये वाला सॉल्व करो, कर लिया सॉल्व। अभी देखते हैं अमरीश, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी आर कॉस 30 किसके बराबर होते हैं √3/2। अभी इतने से वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर √3/2 sin 30 + sin 30 दैट इज ½ + ½ जो 1 आएगा, प्लस जो इस वायर के कारण फील्ड आएगी वो इस
सर्कुलर के अंदर आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन फोर बाई आई बाय आर, ये एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, डिग्री में नहीं लिखना ना यहाँ पे, एंगल रेडियन में लिखना है ना आपको, यहाँ पे भी पाई 4 पाई है ना, समझ में आ गया। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसके अगर मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पे, क्वेश्चन समझे तो आई गया, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लॉजिक के ऊपर, इसलिए करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाता है इस पे। हो गया सॉल्व, ऑप्शन ही आंसर ही है, आंसर मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है, एक अमरीश का तो मैच कर गया, कईयों का कर गया मैच, मोक्ष क्या गड़बड़ होगी, यार ऑब्वियसली बात है ये बी है और ये एंगल क्या फाई है, तो दूसरा ये वाला एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल क्या होगा, 2 पाई माइनस फाई आ जाएगा, आया ना, समझ में आ गई बात, इसको करो सॉल्व। ये पता नहीं क्या लिखा है, शोन इन फिगर ए बी सी, कुछ नहीं पता, ये फिगर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे करो सॉल्व।
देखो आंसर मैच कर रहे हैं क्या? इसको ही देखते हैं। इस वायर के कारण यहाँ पे फील्ड जीरो होगी, इस वायर के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगी कितनी होगी? इस आर्क के कारण यहाँ पे फील्ड क्या होगी? किस किस का सही है सर? अरे इसमें फिगर नहीं बना हुआ, वो बोल रहा है कि ये देख लो इस वायर के कारण यहाँ पे फील्ड जीरो है, इस वायर के कारण यहाँ पे फील्ड जीरो है, इसके कारण ये वाली फील्ड आ जाएगी और इस आर्क के कारण कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो। एक क्वेश्चन और दे, इसके कारण बताओ फील्ड इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। समझ में आ गया क्वेश्चन? सॉल्व हो जाए तो बता देना। इसने मैग्नीट्यूड निकाला, मैं डायरेक्शन के साथ बताता हूं तुम्हें। भाई इसके कारण इस पॉइंट की फील्ड क्या होगी? एंगल क्या बना रही है इसके साथ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जीरो इस पॉइंट का, आइडेंटिटी जीरो है इसके कारण।
देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस क्या है, सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉरी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब देखो इस वायर के कारण इस पॉइंट पे फील्ड होगी नीचे की तरफ कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई, ये डिस्टेंस डी मान लेते हैं, और डायरेक्शन कौन सी इसकी, नीचे की तरफ है तो के ऊपर की तरफ है तो माइनस के कैप हो गया। इस वायर के कारण यू करंट जा रहा है तो इसमें फील्ड पीछे की तरफ होगी माइनस आई की तरफ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी इंटू पाई, और डायरेक्शन क्या इसकी माइनस जे। इस वायर के कारण इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी, माइनस आई की तरफ होगी। ये लो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, क्या बात समझ में आई है? नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दो। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया सबको? फिर से देखो एक और क्वेश्चन, ये तो हमने कर लिया। ये क्वेश्चन करो, इसके अंदर सारा वेरिएबल ही रखना, वैल्यू मत पुट करना। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आई मान लिया, करंट आई मान लिया, नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लिए, रेडियस ए मान लिया, आउटर रेडियस बी मान लिया, आई बात समझे? ऐसे करना है इसको। फर्स्ट वाला, ये वाला, एक मिनट ठहरो, रजत को प्रॉब्लम आई है। रजत, मैं ऐसे कह रहा हूं कि इस वायर के कारण इस पॉइंट पे फील्ड नीचे की तरफ होगी तो ऊपर के है तो माइनस के आ गया ना यहाँ, इसके कारण फील्ड अंदर की तरफ होगी तो माइनस आई है। गलत लिख दिया, ये माइनस आई आएगा और इसके कारण माइनस आई आएगा, इसके कारण फील्ड ये माइनस आई आएगा, बस यही आएगा। समझ में आ गया? डायरेक्शन देखने हैं राइट हैंड रूल से, सिंपल है एकदम। अभी वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है ना, इसका आंसर देखो ये है।
ये देखो मैंने पहले भी करवाया भाई, मैग्नेटिक मोमेंट निकलवाया था ऐसे वाले का ना। और मैंने बोला ये बड़ा फेमस है, बहुत बार यूज हुआ। ये मान लो एन टर्न्स है, ये रेडियस है, आउटर रेडियस बी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, एन अपॉन बी माइनस ए, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गए। यहां से आर डिस्टेंस लो, थोड़ा सा और जाओगे तो कितना चलोगे डी आर, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, डी आर एन अपॉन बी माइनस ए, और हर एक के थ्रू कितना करंट जा रहा है आई, तो इतना करंट जा रहा होगा इस सेक्शन से, इस सेक्शन से ये इतना करंट जा रहा होगा, हाँ है ना, क्या आ जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई करंट ये आ जाएगा अपॉन आर, इंटीग्रेट कर दो, लॉग आर ए से लेके बी तक, ये आ गया आंसर। एक चीज गड़बड़ हो गई यहाँ पे, टू पाई भी आएगा ना क्योंकि एक पूरा चक्कर है, तो यहाँ पे सिर्फ टू आएगा। ये ए डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस है, बी माइनस ए करोगे तो ए डिस्टेंस आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएंगे एन अपॉन बी माइनस ए, यहाँ से आर डिस्टेंस चलो, थोड़ा सा और चलोगे डी आर चलोगे, तो उसमें कितना करंट होगा आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो गए, ये तो एक टर्न के थ्रू आई करंट जा रहा है, तो इतने टर्न के थ्रू कितना करंट जाएगा क्या, और ऐसा मैंने एक ऐसे ब्लू ब्लू बना दिया, इसमें से इतना करंट जा रहा है, इसके कारण फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये वाला करंट डिवाइडेड बाय आर, इसकी रेडियस आ रही है, इंटू टू पाई, सब कुछ कॉन्स्टेंट निकाल दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ए से बी तक आंसर आ गया आपका, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो नेक्स्ट पेज भी आ रहा हूं। देखो हेडिंग लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज ए करंट कैरिंग लूप है, इसमें आई करंट यूं जा रहा है, ये डिस्टेंस है यहां से एक्स, रेडियस है इसका आर, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर, चाहे बात समझ में ये नहीं।
क्या क्या चीज कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगी इससे? साइन थीटा आ जाएगा, सबके लिए थीटा सेम ही होगा, कोई भी एलिमेंट है ये थीटा सबके लिए सेम ही होगा। इस डीएल डीएल का इंटीग्रेशन ही बचेगा, ये लेंथ टोटल क्या होगी, 2πr। अब साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ क्या आ जाएगा ये, एक गड़बड़ हो गई, मेरे को गड़बड़ क्या हुई है, फॉर्मूला होता है अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, आई डी एल अपॉन बायर साइड्स लो म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हर जगह स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 3/2 आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस आ गया। बात समझ में आई नहीं, बात समझ में आई नहीं, हाँ भाई मोक्ष, अरे भाई बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मेरे को। आगे तो लिख लो इसको, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है, सेम ही टाइप की डेरिवेशन।
लिख लिया। अगर इसके n टर्न्स हो जाए तो ऐसे n से मल्टीप्लाई कर देने इसको, और क्या आया ना। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। समझ में आया जो पढ़ाया? अब इसके क्वेश्चन करने शुरू कर दो तुम। अब अगली क्लास में एम्पियर सर्किट लॉ खत्म कर दूंगा मैं। फिर दो लेक्चर में मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म वाला कर दूंगा खत्म। प्रोबेबली इसी वीक में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ओके बच्चों बाय।